This video is powered by iTransfer. Check description for more information. दोस्तों वाईफाई तो आप सभी यूज करते होंगे और ऐसे में आपने ड्यूअल बैंड वाईफाई राउटर्स के बारे में सुना होगा जहां पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों ही अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेशन मिल जाता है। आपने अक्सर सवाल किया होगा अपने आप से अपने फ्रेंड से कि आपके लिए दोनों में से कौन सा बेहतर है और आपको किस केस में कौन सा बैंड यूज करना चाहिए। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों से वाईफाई राउटर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, जो बेसिकली ब्रांड्स बनाते हैं राउटर्स, तो वहां पे आपको एक बहुत ही बड़ा हाइलाइटिंग फैक्टर देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये जो राउटर है ये ड्यूल बैंड सपोर्ट साथ में आता है, कि यानी कि यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों ही वाईफाई बैंड्स मिल जाते हैं। और अक्सर एक नॉर्मल कंज्यूमर समझता है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ज्यादा, इसका मतलब तेज और इसका मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ऐसे में आपका कुछ इनसाइट्स को भी जानना जरूरी है जिसकी मदद से आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला अच्छा क्यों है, किस केस में अच्छा है, किस केस में थोड़ा सा कम अच्छा है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने डिवाइसेस को वाईफाई के साथ में ठीक से यूज कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि 5 गीगाहर्ट्ज़ बहुत ही नई चीज है और पिछले 2-3 सालों में ही 4 सालों में आई है और ये बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज करके बैठी है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखें दोस्तों ओरिजिनल वाईफाई स्टैंडर्ड जो कि था 802.11a को, तो वहां पे भी हम 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को ही यूज करते थे। लेकिन जो टेक्निक हम मार्केट में यूज कर रहे हैं वो काफी अलग है, चैनल्स बिल्कुल अलग है, इसीलिए ये हमारे फायदे के लिए काम कर रहा है आज की डेट में। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम कंपेयर करें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई बैंड्स को, तो यहां पे कुछ बहुत ही कॉमन डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज के मामले में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो वाईफाई बैंड है वो आपको ज्यादा लंबी रेंज देगा, ज्यादा दूर तक आपको कवरेज देगा, और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड है वो आपको देगा बहुत ही कम कवरेज अगर आप कंपेयर करते हो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड से। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डेटा थ्रूपुट की या फिर आपकी वाईफाई परफॉर्मेंस या फिर स्पीड की, तो ऐसे में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो बैंड है वो आपको देगा कम स्पीड और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड है वो आपको देगा ज्यादा स्पीड। इसके अलावा अगर आप बात करते हो इंटरफेरेंस की, तो अगर आप यूज करने वाले हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई, तो ऐसे में जो आपकी इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको बाकी वाईफाई सिग्नल से या बाकी रेडियो सिग्नल से। और अगर हम बात करते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई नेटवर्क की, तो यहां पे आपको जो इंटरफेरेंस है वो भी काफी कम देखने को मिल जाती है। अब अगर आप दोस्तों ये सोचते हैं कि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला तेज इसीलिए है क्योंकि वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो यूं 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 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रही है और बहुत ही तेज है और इसलिए डेटा तेज जा रहा है, तो आप गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए वो तेज इसलिए दोस्तों कि वहां पे आपको मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग चैनल्स। अब ये चैनल्स क्या है, तो आप ये सोचिए कि वो जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है या फिर जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है वो एग्जैक्टली बिल्कुल फिक्स 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम नहीं करता है। हमें चाहिए होती है कुछ बैंडविड्थ जिसकी मदद से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकें, और ऐसे में हमने कुछ छोटे क्लस्टर्स बनाए जिनको हम कहते हैं चैनल्स, और वो जो चैनल्स हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले में दोस्तों काफी ज्यादा हैं और ओवरलैपिंग भी नहीं है। अब दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि अगर आपके पास में चैनल्स ज्यादा हैं तो आप एक साथ ज्यादा डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही कम होगा, आपस में चैनल्स ओवरलैप नहीं कर रही हैं, तो कोई ऐसा भी पंगा नहीं है कि आपका पड़ोसी भी सेम चैनल यूज कर रहा है, आप भी सेम चैनल यूज कर रहे हो, तो आपस में कुछ इंटरफेरेंस वगैरह आ रहा है, और इसीलिए आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर स्पीड भी काफी चीज देखने को मिल जाती है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं और वहां पे लेन्स ज्यादा हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसे में आप स्पीड आपकी चाहे तेज नहीं हुई, आपकी स्पीड 80 पे चल रही है, लेकिन आपको कंजेशन कम देखने को मिलेगा, वहां पर जो आपका डेटा है वो कम अटकेगा क्योंकि सब अपने लेन में चल रहे हैं, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है और सब बड़े आराम से आगे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क की, तो यहां पर दोस्तों जो चैनल्स हैं वो कम है और उसके अलावा वो ओवरलैप्ड भी हैं। इसका मतलब ये कि आपको आसपास से इंटरफेरेंस भी बहुत देखने को मिलता है और उन्हीं की वजह से कई बार आपका सिस्टम भी डाउन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप नजर डालेंगे अपने घर में आसपास और काम में आने वाले वायरलेस डिवाइसेस को, तो दोस्तों वहां पर जो आपको कॉमनली फ्रीक्वेंसी यूज में देखने को मिलती है तो वो होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की। अगर हम बात करते हैं किसी कॉर्डलेस फोन की, अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन की, या फिर अगर हम बात करते हैं आपके नॉर्मल ब्लूटूथ हेडसेट की, तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में अगर आप वही सेम फ्रीक्वेंसी अपने वाईफाई पे भी यूज कर लेंगे, या फिर अगर आप रहते हैं मान लीजिए एक अपार्टमेंट में और वहां पे आपके चारों तरफ 15 फ्लैट्स और हैं और वहां पे मोस्ट कॉमन जो आर्किट में सभी लोग यूज करते हैं वो है 2.4, तो ऐसे में वो सब भी आपके साथ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा कम मिलेगी। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ क्योंकि नया है, इतने अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ है, सभी के पास नहीं है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके अपने घर की, तो वहां पे भी जो बाकी डिवाइसेस हैं वो यूज नहीं करते हैं, इसीलिए आपको इंटरफेरेंस का बहुत ही कम केस मिलेगा 5 गीगाहर्ट्ज़ में, क्योंकि ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में होगा कि आपने घर में अपने दो राउटर पास-पास रखे हैं और दोनों ही 5 गीगाहर्ट्ज़ के हैं, उसके अलावा आपको इंटरफेरेंस मिलेगा नहीं, इसलिए आपको मिलेगी अच्छी स्पीड्स। अब यहां पे एक पॉइंट देखने वाला यह भी है कि अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो हो सकता है कि आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला एक अच्छी रेंज दे दे,
आपको उसी पॉइंट पे 5 GHz में हो सकता है रेंज कम मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि वहां पे जो आपको डेटा की स्पीड मिलेगी नेट स्पीड, वो हो सकता है आपको कम रेंज के बावजूद भी 5 GHz में अच्छी मिल जाए और 2.4 में अच्छी ना मिले। इसके अलावा कभी कभी ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, अगर बहुत ज्यादा अलग अलग डिवाइसेज हैं सेम फ्रिक्वेंसी रेंज में, तो हो सकता है कि 2.4 की आपको रेंज इतनी ना मिले और आपको उल्टा 5 GHz की रेंज ज्यादा मिल जाए। तो यहां पे आपको आपकी कंडीशन, आपके घर के हिसाब से जो लोकेशन है वहां पे आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको किस जगह पे कितनी अच्छी क्या परफॉर्मेंस मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिवाइसेस को स्विच कर सकते हैं। कुछ को रख सकते हैं 2.4 पे, कुछ को रख सकते हैं 5 पे, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है ड्यूअल बैंड वाईफाई, या फिर आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है तो ऐसे में आप उनको एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए 5 GHz यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने दूसरे रूम में रहते हैं जो काफी अंदर है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं 2.4 GHz की वाईफाई सिग्नल को। दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे 2.4 और 5 GHz वाईफाई के बीच डिफरेंस। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।